रहता का उल्टा चश्मा। पोपटलाल, ओ पोपटलाल, आपका पिंकल काम नहीं कर रहा है। एक काम करो, पूरा ग्लास फेंक के मारो। ए, ग्लास मतलब ग्लास के अंदर जो पानी है वो। उठ गया, उठ गया, उठ गया। क्या हुआ पोपटलाल? पोपटलाल क्या हुआ? आप सब झालं, गेली स्मरण शक्ती, गेली याची सोडी। अरे पोपटलाल, मैं आत्माराम तुकाराम मिडे, गोकुलधाम सोसायटी है ये, यहाँ का मैं एकमेव सेक्रेटरी, ये अय्यर, ये जेठालाल। और ये पता है वो मुझे, तो ये पूछ रहा हूँ कि आप सब मेरे बेडरूम में क्या कर रहे हैं? ओहो, हाय हाय स्मरण शक्ति, हाय हाय। अरे पोपटलाल, तुमको कितने फोन किए, कितनी बार डोरबेल बजाई, तुम उठ ही नहीं रहते, इसलिए तुम्हें जगह, तुम्हें बेडरूम में आ गए। पता है ना आज लड़की वालों का फोन आने वाला है 10:40 को। कितने बजे? नहीं नहीं, अभी देर नहीं हुई पोपटलाल, अभी भी टाइम है, बड़बड़ रेडी हो जाओ। हाँ चलो चलो। अरे जबरदस्त सर दर्द कर रहा है पोपटलाल। अरे हाथी भाई, आई 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 आई, बैठ बैठ। अरे उधर हो जाओ ना वहाँ पे। अरे उधर अय्यर भाई को बोल ना भाई, इधर जगह नहीं है। तब पीछे हो जाओ ना, हाथी भाई को आने दो ना भाई। पर तुम तो, अरे तुम तो, गेट। हाँ आइए आइए, आप ये बैठेंगे कहाँ हाथी भाई? अरे यहाँ पे बैठ सकते हैं, इतना बड़ा बेड है। बैठिए बैठिए यहाँ। हाँ देखिए क्या हुआ, इस तरफ है वो मुंडा लाके। हाँ, दो ना भाई, दो उनको। हाँ ऐसा ही, ऐसा बैठना पड़ेगा ना उनको। बैठिए 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 बैठिए। पट्टा तुम चिंता मत करो। कहीं नहीं, कहीं हो रहा है तुमको? कुछ नहीं हो रहा है, बैठो, बोलो बोलो बोलो, चलो आप बोलो। पट्टलाल तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए खास घर जाके इसका इलाज लेकर आया हूँ। ये देखो। अरे हाथी भाई, आप तो यहाँ हमारे साथ खड़े थे, आप घर कब गए? आते ही जैसे हम यहाँ अंदर आए, मैंने पोपटलाल की हालत देखी, तभी समझ गया कि इसे ये वाली गोली की जरूरत है, तो बस लेने घर चला गया था। पोपटलाल इसमें से एक गोली देता हूँ, सर दर्द चला जाएगा। हा? मैं पानी लेकर आता हूँ। हाँ जाइए जाइए जाइए। वाह, आज पानी ने सेवा सारी उपाड़ी ली थी अय्यर भाई। पीडी मास्टर, इसमें से एक गोली दे दो ना। देता हूँ। अरे कैसे लग रहा है? अरे अय्यर भाई, अभी तक गोली खाई है, गोली को पेट तक पहुंचने तो दो। गोली पेट में पहुंचेगी, फिर ओगड़ेगी, उसके बाद धीरे धीरे उसका असर तो दिखना शुरू होगा ना। ये थोड़ी है कि गोली खाई और फटाक से एकदम सब असर दिख जाएगा। अरे टाइम नहीं है ना, 10:40 बराबर है, लेकिन दवाई की गोली को मालूम नहीं है ना। अरे सूड़ी भाई, तूने रात को कौन सी दवाई पिलाई थी कि उठते इतना सर दर्द हो रहा है? अरे बोल। एक्चुअली पोपटलाल, सूड़ी ने तुम्हें दवाई नहीं पिलाई थी, क्या है तुम सो नहीं रहे थे ना, तो तुम्हें थोड़ा सा कैरम पिला दी। क्या? अरे वो थोड़ा नहीं था बिड़े, पूरा ग्लास था।
हाँ वो डबल पटियाला। डबल पटियाला सोड़ी, अरे कोई ऐसे किसी को सुना तो है क्या? पप्पू पप्पू, मैंने तुझे लोरी गाकर सुलाने की कोशिश भी की पर तू सोया ही नहीं। छोटी तू अगर लोरी गाएगा तो कैसे सो पाएगा दोस्त? छोटी तुम लोरी चलाओ, गाओ मत। इसीलिए तो हर मर्ज की दवा ले आया। मुझे बताना तो चाहिए था, अरे मैंने इसे पूछा तो मुझसे झूठ बोला। खबरदार, आइंदा कभी ऐसा किया ना तो मैं तेरी दुनिया हिला दूंगा। अरे वाह वाह वाह, अरे पोपटलाल दुनिया हिलाने की बात करने लगा, मतलब एकदम नॉर्मल हो गया है? क्या लगता है सर दर्द? नहीं है गया? मतलब गोली का असर हो गया। कांग्रेचुलेशन डॉक्टर राजी, अरे वेल डन। पोपटलाल ये पकड़ो, इसमें प्रसाद है। अरे खास तुम्हारे लिए मैं और माधवी रिक्शा पकड़ के यहाँ से बैंड्रा और बैंड्रा से टैक्सी पकड़ के सिद्धि विनायक गए थे तुम्हारे लिए खास प्रार्थना करने के लिए। अरे वाह वाह वाह, फटाफट तैयार हो जाओ और प्रसाद खाओ। थैंक यू बेटे। चलो अभी निकला, उसको तैयार होना दो। चलो 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 चलो। अच्छा पोपटलाल चल चल भाई जल्दी। पोपटलाल 10:40 के पहले तुम हमारे घर पे पहुंच जाना, वो फोन वहीं आने वाले मालूम है ना।